Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nuril Anwari wa Sirril Asrari wa Sayyidil Abrar. Muazziz khawateen hazrat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Apni ek nazm pesh kar rahi hu jiska unwan hai Peshan Goi. नज़्म पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाइए। एक काहिन ने कहानत का सहारा लेकर इल्मे नजूम की मदद से पेशन गोई की जमीनों आसमान की, दुनिया और जहान की, मौसमों के बदलते हुए रंगों की, मुल्कों के बीच होती हुई जंगों की, दौर के बदलते हुए हालात की, मुस्तकबिल में होने वाली हर बात की, देखकर सितारों की चाल, उसने बताया जमी का हाल, यहां तक के तायुन किए उसने तारीख दिन और माहो साल। उसने बताया सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करती हुई ये जमी कब और कैसे गर्दिश में आ जाएगी, कब और कैसे तबाही इसका मुकद्दर बन जाएगी। चश्मे पूर्णम सहर शक की तारीकी से लड़ झगड़ कर अपने दामन में आंसुओं के शबनमी कतरे समेट कर धीरे धीरे जमी पे उतर आएगी। सुबह की फराग दिल धूप उसके आंसू पोछने के लिए अपना नर्म गर्म आंचल बढ़ाएगी। आवला पा गुर्बत थके कदमों से चलती हुई कितनी दूर तलक जाएगी। मशक्कतों की चिलचिलाती धूप कितने फूल से बदनों को झुलसाएगी। शाम गम ओढ़कर उदासी की रिदा उतर कर कितने घरों में बसेरा करेगी। खौफो हिरास से सहमी हुई वो कितने दिलों में डेरा करेगी। सियासत की जादूगरनी अपने अमल के जरिए कितने शातिर लुटेरों को तख्त पर बिठाएगी, कितने अच्छे सच्चे रहनुमाओं को तख्तेदार पे चढ़ाएगी। दरिंदगी हर सिमत अपनी चाल बढ़ाएगी, लाकानूनियत कानून को खा जाएगी। जागते जगमगाते हुए शहर कांपते थरथराते हुए एक झटके में ढेर हो जाएंगे। मिट्टी में दफन लाखों मकानों मकीन हमेशा के लिए सो जाएंगे। देखते देखते लहलाते फसलें उगाते हुए गांव अकड़ते बिगड़ते दरिया के मजबूत बाजुओं की जकड़ में लाचार बेकस और बेबस गुसैले तश्तैशीले सैलाब की जद में आ जाएंगे। बेकही बेसुनी दीवानी तुगयानी के जोशो जुनू की नजर हो जाएंगे। वो मदद मदद पुकारते हुए बाढ़ में बह जाएंगे। अंधेरी शब नहुसत की काली चादर ओढ़कर हजारों लोगों को मौत की नींद सुलाएगी। एक बेनाम उदासी कायनात पे छा जाएगी। बादल रो रो कर निढाल हो जाएंगे। बिजलियां चीख चीख कर सीना को भी करती हुई मर जाएंगी। पहाड़ शिद्दत गम से सकते में आ जाएंगे। एक काली वबा आसमान से उतरकर लाखों लोगों को बेगोरों कफन मिट्टी में मिला जाएगी। अबरेतर मैयतों को गुसल देते देते थक जाएगा। चांद उदास शक्ल लिए अनगिनत लाशों को चांदनी का कफन पहनाएगा। दरिंदे सड़कों पे खुले आम बहू बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। उनके घर वाले कुछ न कर पाएंगे। साल हा साल बेबसी से रोते हुए
कानून की पथरीली चौखट पे सर पटकते पटकते रह जाएंगे। जाहिल कुर्सियों पे बैठकर लड्डू पूरी खाएंगे, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे फाफों से मर जाएंगे। रिश्तों की माला टूटकर बिखर जाएगी, उसके मोती दूर दूर तक जाएंगे, अपने अपनों ही को काटेंगे, अपने अपनों ही को दुख दर्द बांटेंगे। काहिन की ये पेशन गोई पहनकर शोहरत का ताज, हवाओं के दोष पे उड़ती फिरी, कयाफा और कयास का लिबासे कागजी जेबितन किए, रिसालों अखबारों और सोशल मीडिया की जीनत बनी। कायनाते दिल में ये धुआं भर गई, फिजाओं को ये जहरा आलूद कर गई। बहुत से दिल इसकी तरफ मायल हुए, बहुत से जहन इल्मे नजूम के कायल हुए। इल्मे नजूम इल्मे फलकियात है, देखकर सितारों की चाल बुर्जों के अहवाल, लगाकर हिसाबों किताब करता ये अपनी बात है। कयाफा कयास और अंदाज के जरिए ये बताता है मुस्तकबिल में होने वाले हरकत सकनात आलात और वाकयात, बयान करता है ये सितारों की जिंदगी पे असरात। कभी सही निकलती है तो कभी गलत निकलती है इसकी बात। इसको इल्मे गैब कहना बड़ी जहालत है, इसको साइंस से जोड़ना एक हिमाकत है। साइंस है इल्म मुशाहिदात नजरियात तहकीकात का, साइंस है इल्म मशीनों के जरिए अपने अमली तजुर्बात का, साइंस है इल्म खोज का ईजादात का, साइंस हवा से खमसा पे एतमाद करता है, मशीनों और तजुर्बों के जरिए हकायक की बात करता है। तोहम परस्ती इसके दायरे में आती नहीं है, गैर मुस्तरद बात इसको भाती नहीं है। इल्मे नजूम मगरिब की देन है, दीन हक से गाफिल हर दिल इसका फैन है। इल्मे नजूम महज धोखा फरेब वाहिमात है, ये सितारों से जोड़ता तकदीर की बात है। इल्मे नजूम जादू टोना सिफरी की तरफ ले जाता है, इल्मे नजूम लोगों को शैतानों के चंगुल में फंसाता है। कुरान पाक की बनी इसराइल की आयत नंबर 36 में अल्लाह फरमाता है, वला तखफू मा लैसा लका बिही इल्म, ए इंसान उस चीज की न पैरवी कर जिसका तेरे पास डेफिनेट इल्म नहीं। अल्लाह ऐसे इल्म के बाबत मना फरमाता है। अल्लाह ने कुरान पाक में सितारों को अहम बतलाया है, उनके जिम्मे तीन कामों को लगाया है, फलक की आराइश के लिए उन्हें सजाया है, उन्हें रास्ता बताने का जरिया बनाया है, मुखबिर शैतानों को मार गिराने का काम उनके जिम्मे ठहराया है। काहिन से जब पूछा गया तेरे मरने जीने का क्या हिसाब है, एक लम्हा खामोश रह के बोला, ये तो एक राज है। ये बात हर मोमिन जानता है, गैब का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। होनी और हादसा से सिर्फ अल्लाह बचाता है, ऐसे हालात में दुआ नेकी और सबका कर्म आता है। जायचा राशिफल हॉरोस्कोप पेशन गोई भविष्यवाणी इस्लाम में हराम है, उन पर ईमान लाने वाला खारिजे इस्लाम है। हदीसे पाक में ये आया है, जिसने नजूमी की तरफ कदम बढ़ाया है उसने 40 रोज की नमाजों की कबूलियत को गवाया है। इल्मे नजूम के दीवानों का
पलट के आना मुश्किल है, इल्मे नजूम के मस्तानों को ये समझाना मुश्किल है। खुदारा इन चक्करों में खुद को ना उलझाइए, जहनो दिल को अपने इस भूल भुलैया में ना भटकाइए। पेशन गोई हराम है ये जान जाइए, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है ये मान जाइए। तीन हक के महफूज साहिबान में चले आइए, दीन दुनिया दोनों को मजबूत बनाइए। कलाम पाक को समझिए और समझाइए, दिले नादा को तौहीद की कंदीलों से जगमगाइए। जिंदगी अल्लाह की खूबसूरत अता है, इसे तोहम परस्ती की दलदल में न धसाइए। इसे हुस्ने अमल से सजाइए, इसे ईमान की खुशबू से महकाइए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।